भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बिलासपुर में बेमौसम बरसात और तूफान का आम की पैदावार पर बुरा असर पड़ा है। बिलासपुर जिले में 8000 हेक्टेयर जमीन पर फलों की पैदावार होती है, जिसमें सबसे अधिक 4000 हेक्टेयर जमीन पर आम तो अन्य 4000 हेक्टेयर जमीन पर लीची, अमरूद, नींबू व संतरे की पैदावार की जाती है। वहीं इस बार आम के पेड़ों पर अच्छा फूल पड़ने के चलते उत्पादकों को आम की ज्यादा पैदावार होने की उम्मीद है, लेकिन जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश व तेज आंधी का सीधा असर आम की पैदावार पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अभी तक 200 हेक्टेयर भूमि पर लगी आम की फसल बर्बाद हो चुकी है, जबकि लीची व अमरूद जैसे अन्य फलों की पैदावार पर भी इसका कुछ असर पड़ा है। आपको बता दें कि बीते साल भी आंधी तूफान से आम की बड़ी फसल बर्बाद हुई थी, जिससे आम उत्पादकों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। उद्यान विभाग बिलासपुर की उप निदेशक डॉक्टर माला शर्मा ने नुकसान की पुष्टि की है। क्या कहा उन्होंने नुकसान के बारे में, आप भी सुनिए। जैसे हमारे बिलासपुर में हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप्स लगभग 8000 हेक्टेयर एरिया में किए जाते हैं, और इसमें से 50% जो है कह सकते हैं लगभग 4000 हेक्टेयर के करीब हमारी मैंगो की खेती की जाती है, और जो दूसरे क्रॉप्स किए जाते हैं जैसे लीची हो गई या सिट्रस के हो गए या गोवा हो गया, मेनली हमारे मैक्सिमम मेनली क्रॉप्स ये हैं, बाकी पपीता और ये सब भी कम स्तर पर किए जाते हैं। तो जैसे हमारा पीछे भी बारिश या ओलावृष्टि जिस तूफान में जो भी हुआ था अप्रैल के महीने में, जो उसके बाद जो हमारी लॉस की रिपोर्ट है जो हमने आगे अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी फॉरवर्ड करी है, तो उसमें हमारे लगभग 200 हेक्टेयर एरिया जो आम का प्रभावित हुआ था, मतलब कोई लॉस तो हमारा 10% से कम था इसमें। और इसके लिए जैसे ही हमारे को अपने निदेशालय से हायर अथॉरिटीज़ से कुछ इसमें फंड्स मिलते हैं जैसे डिज़ास्टर में या कुछ, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आगे एक्शन लेंगे फार्मर्स को जो है उनका लॉस हुआ है जिनका, उसके हिसाब से अगर हमें ऐसा कुछ डायरेक्शंस मिलती हैं अपने हायर अथॉरिटीज से। तो हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।